डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ल्ड वार के बारे में डिस्कस किया था और ये जाना था कि कैसे वर्ल्ड वार ने भारत के अंदर एक नेशनल मूवमेंट के सिचुएशन को क्रिएट किया ठीक है और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि वर्ल्ड वार के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी की एंट्री होती है और इस एंट्री के बाद हम देखेंगे कि ये जो मोड ऑफ स्ट्रगल है उसमें कैसे चेंजेस आता है देखिए द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहता है कि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट कर के भारत आए महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन था आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर रेसिस्ट रिजिम था रेसिस्ट रिजिम का मतलब जातीय सरकार जाति के आधार पर स्कीम कलर के आधार पर वहां पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन था ठीक है तो इस डिस्क्रिप डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इस रेसिस्ट रिजीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक मास स्ट्रगल चलाया था इन साउथ अफ्रीका ही सक्सेसफुली फाउट अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम इट वाज ए नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। उन्होंने जो मास एजिटेशन चलाया था एक्चुअली वो एक नोबल मेथड था जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था दैट वॉज कॉल्ड सत्याग्रह है ना मतलब सच्चाई की खोज करना तो ये सत्याग्रह एक्चुअली क्या था ये नॉन वायलेंट सत्याग्रह एक लड़ाई का एक नया तरीका जो महात्मा गांधी ने इजाद किया था और उसकी शुरुआत उन्होंने साउथ अफ्रीका के रेसिस्ट रिजीम के खिलाफ वहाँ लॉन्च किया था तो व्हाट सत्याग्रह सजेस्टेड तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअली ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट क्या था महात्मा गांधी ने बताया इफ योर कॉज इज़ ट्रू मतलब अगर आपका कॉज सही है आप सही बात पर स्टैंड करते हैं एंड इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस और आपकी लड़ाई जो है वह अन्याय के खिलाफ है देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशर इस सिचुएशन में अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं और आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो इस लड़ाई में आपको फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है तो विदाउट फिजिकल फोर्स को अप्लाई किए हुए आप कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं विदाउट वीइंग वैगनेंस और बींग एग्रेसिव मतलब बिना बदले की भावना से और बिना ही क्रोधित हुए अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस मतलब उन्होंने बताया कि बिना क्रोधित हुए एक सत्याग्रही जो है वो बैटल को नॉन वायलेंस के माध्यम से अहिंसा के माध्यम से जीत सकता है ये कैसे होगा अहिंसा का प्रयोग करके आप बैटल को कैसे जीतेंगे दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्स ऑफ द ऑपरेशर कॉन्सस मतलब जो आपका ऑपरेशर है आप उसकी अंतर आत्मा की आवाज को अपील करके ये लड़ाई जीत सकते हैं मतलब अगर कोई आपके साथ वायलेंस कर रहा है आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आपका आप उस उसका सामना नॉन वायलेंस के साथ करें एक ऐसा समय आएगा जब वो आपका ऑपरेशर समझ जाएगा कि वो गलत कर रहा है मतलब यहीं पर उसकी उसका कॉन्स उसको अपील करेगा और आपका वो दमन छोड़ देगा दिस वॉज़ द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने ये न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल को लॉन्च किया था उन्होंने फिर बताया कि बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ इज बाउंड टू विन अगर इस तरह की लड़ाई लड़ी जाए तो सच्चाई जो है वो निश्चित रूप में जीत जीतेगी सच की ही जीत होगी एंड महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म कुड यूनाइट इंडियंस और महात्मा गांधी का यह भी मानना था कि अगर सारे भारतीय सत्याग्रह के धर्म को अपना लें तो उनमें एकता आ जाएगी ओके सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज लॉन्चिंग सत्याग्रह इन इंडिया आप पढ़ चुके हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया इसी चीज़ को जब वो भारत आते हैं तो इसी सत्याग्रह के कंसेप्ट को उन्होंने भारत में लॉन्च किया आफ्टर अराइविंग इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन वेरियस प्लेसेस मतलब भारत आने के बाद हम देखेंगे कि सक्सेसफुली महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट को वेरियस प्लेसेस पर लॉन्च किया और उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि इस सत्याग्रह मूवमेंट को उन्हें उन्होंने भारत के छोटे छोटे जगहों पर अननोन प्लेसेस पर जिसके बारे में कोई नहीं जानता था वहाँ पर उन्होंने कॉमन लोगों के बीच में लॉन्च करने का काम किया एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उनका पहला एक्सपेरिमेंट कहां हुआ इन चंपारण इन 1917 ही ट्रैवल्ड चंपारण इन बिहार एंड इंस्पायर्ड द पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम चंपारण के अंदर एक ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था एक्चुअली जिसमें यहाँ के किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो की खेती करें और इंडिगो जो था वो एक उसका इस्तेमाल कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता था ठीक है और उसमें एक बुरी बात ये थी कि वो ज़मीन की फर्टिलिटी को ख़राब करता था और यहाँ के किसान उसकी खेती करना नहीं चाहते थे लेकिन ऑपरेसिवली जबरदस्ती उनसे खेती कराई जाती थी जब महात्मा गांधी को इसकी जानकारी हुई तो वो चंपारण आए और यहाँ के किसानों को कहा उनको इंस्पायर किया कि इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए नॉन वायलेंट तरीके से और इस प्लांटेशन सिस्टम का विरोध करें और नील की खेती वो इंडिगो की खेती नहीं करें तो यहाँ पर उनको अच्छी सफलता मिली ठीक है तो ये उनका राजनीतिक यात्रा की शुरुआत मानी जाती है ठीक है यहीं से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है यहीं से स्टार्ट किया चंपारण के बाद उनका अगला स्टेप होता है खेड़ा गुजरात में के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने का काम किया ठीक है आफ्टर दैट

प्लेग की बीमारी फैली थी इससे वहाँ के किसान बुरी तरह प्रभावित थे दे वे आर एबल टू पे रेवेन्यू एंड डिमांडेड रिलैक्सेशन। क्रॉप फेल्योर होने के कारण प्लेग की बीमारी होने के कारण वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करने के कंडीशन में नहीं थे और वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड को रिलैक्स कर दे लेकिन ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं था तो महात्मा गांधी ने वहाँ के सत्या वहाँ के किसानों को इनक्रेज़ किया कि वो सत्याग्रह को लॉन्च करें और अपने डिमांड को वो पूरा करने का प्रयास करें ठीक है इसके बाद वो अहमदाबाद जाते हैं इन 1918 यू वेंट टू अहमदाबाद एमोंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट उन्नीस सौ अट्ठारह में वो अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स के बीच जाते हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें भी सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इनक्रेज करते हैं ताकि उनकी समस्याएँ दूर हो सकें तो इस तरह से हम देख रहे हैं चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद में जाकर के उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि ये जो मूवमेंट था ये कॉमन लोगों के बीच किसानों के बीच मजदूरों के बीच इस तरह लोगों के बीच इन्होंने इसको लॉन्च किया और उन्हें बहुत सफलता मिली ठीक है तो क्या कहता है कि लॉन्चिंग सत्याग्रह मूवमेंट इन दीज थ्री वेरी कॉमन प्लेसेस यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि इस सत्याग्रह मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉमन प्लेसेज एमंग वेरी कॉमन पीपुल बहुत ही साधारण लोगों के बीच इसको लॉन्च किया और बहुत सी छोटी छोटी जगहों पर इन्होंने इसको लॉन्च किया इसका लाभ क्या मिला हुआ मेड महात्मा गांधी ए पॉपुलर लीडर यहीं से महात्मा गांधी जो है वो एक पॉपुलर लीडर के रूप में इस्टेब्लिश हो गए क्योंकि उन्होंने ग्रासरूट लेवल पर उतर करके काम किया था ठीक है इसका रिजल्ट क्या हुआ द सत्याग्रह मूवमेंट वाज द मूवमेंट विच स्टार्टेड मास पार्टिसिपेशन अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया इसका रिज़ल्ट यह हुआ ये देखा गया कि ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है इसने एक नई चीज़ की शुरुआत भारत के अंदर की थी वो क्या था दैट वाज़ मास पार्टिसिपेशन जन आंदोलन लोगों का अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक ऑर्गेनाइज तरीके से मूवमेंट को चलाने की शुरुआत इसी सत्याग्रह मूवमेंट के माध्यम से भारत में लॉन्च हुआ जिसको कराने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पीपुल पार्टिसिपेशन मास एजिटेशन का दौर जो है यहाँ से इस्टार्ट होता है और अगले क्लास में हम लोग वन बाई वन ग्रेजुअली देखेंगे कि डिफरेंट मूवमेंट कैसे लॉन्च होते हैं और कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ता जाता है ओके थैंक यू वेरी मच